हाँ बेटा, कहाँ चली गई थी? बैठो, इस तरह भी घर छोड़कर जाता है मला। कमाल ने कितने फोन किए तुम्हें, लेकिन तुम्हारा फोन ही बंद था। अच्छा, अब तुम आयजल के साथ पार्लर चली जाओ। कमाल से तो मैंने बहुत कहा था कि आयजल की किसी दोस्त को भेज दे, लेकिन कमाल को किसी पे भरोसा नहीं। जी ऑब्वियसली इरसा ने भी तो तैयार होना है ना। अरे हाँ, ये तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और आपके कपड़े कहाँ हैं? देख लेना तुम। काश मैं आयजल को बता सकती, उसे रोक सकती। जो वो करने जा रही है वो ठीक नहीं है। उसकी ये खुशी अधूरी रह जाएगी, उम्र भर का रोग बन जाएगी। मेरी बात का वो यकीन नहीं करेगी। वो यही समझेगी कि मुझे उसकी खुशियां बर्दाश्त नहीं है। काश मैं आयजल को बता सकती। एक्चुअली आदत है ना उसकी, जो चीज पसंद आ जाए फिर उसके बारे में कोई नेगेटिव बात वो सुनती नहीं, और दानिश से तो मोहब्बत हो गई है उसे। वैसे कैसा लगा है दानिश तुम्हें? मानता हूं आयजल कभी कभार कुछ ऐसा कह जाती है जो उसे नहीं कहना चाहिए, उसके लिए मैं वाकई तुमसे सॉरी कहना चाहता हूं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, देखो बेटी है, इकलौती है, लाडली है, और सबसे बढ़ के अब तो थोड़े दिन की मेहमान है। बस मैं तुमसे एक दरखास्त करना चाहता हूं कि एक मां बनकर आयजल की शादी के इंतजाम जो है वो संभालना।